क्या किसान अपनी आय दुगनी कर सकते हैं? क्या किसान, चाहे वो पुराना किसान हो चाहे नए किसान हो, क्या नई पद्धति की खेती कर सकता है? आइए जानते हैं बुंदेलखंड के किसानों ने कैसे तुलसी की खेती में अपना आह्वान चालू किया, उन्हीं के एक्सपीरियंस सुनते हैं, कैसे उन्हें क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम राज गुप्ता है। मैं लोगों के बिजनेसेस को ऑनलाइन ले जाने में मदद करता हूँ, स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग हैं। इस स्वामी जी चैतक चैनल के माध्यम से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सरल भाषा में पहुँचाना, किसानों तक, युवाओं तक पहुँचाना हमारा मकसद है। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन जरूर करें। हमारा नाम राम सनेही राजपूत, ग्राम बिहूनी कला, तहसील मौदा, जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। और मैंने 8 पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी और अब मैं 8 पास करके फिर खेती खेती कर रहा था। खेती में सारी फसल बोई, मटर, चना, गेहूँ, जवार, लाही, इसके मैं इनकी थोड़ी कम पैदावारी के कारण अब हम तुलसी में आना चाहते हैं। जी, मैं बिहूनी कला का रहने वाला हूँ, नवल किशोर राजपूत मेरा नाम है, थाना मुस्करा, तहसील मौदा, जिला हमीरपुर। 30-32 साल से खेती कर रहा हूँ, सब प्रकार की खेती की, मटर, चना, राई, गेहूँ, जवा, और बरसात के टाइम पे अरहर, तिल, उड़दा, मूंगफली, पिसिया की फसल में अधिक खर्च पड़ा थे और मंडी में उनको रेट बहुत कम रहा थे, इस वजह से एवरेज निकाल से उनकी बवाई कम कर दी हमने। और मटर की फसल इन साल का रेट अच्छा रहा हुए तो मटर में भरोसा था हुए, और चना बहुत दाम चल रहा हुए और चना की उपज कम भई बरसात के कारण, पानी वर्ष ऊपर कम भई। और अब हम स्वामी ब्रह्मानंद जी की जो कंपनी है तुलसी वाली, उससे जोड़ना चाहती है और वो खिलाने हमें उसे जुड़ी भाई, मतलब ऐसी फसलें बताई जाएं उनके बारे में, तो हम उनको लाभ। तो अभी हमने जाना कि कैसे परंपरागत खेती को छोड़कर किसान, बुंदेलखंड का किसान, तुलसी की खेती की तरफ मूव कर रहा है और उनसे बहुत ज़्यादा उनको दुगने फायदे होने वाले हैं। अब आइए जानते हैं कैसे ये उनको मदद मिल रही है। इनको ये मदद मिल रही है FPO, जी हाँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होती है, जो कि किसानों को क्लस्टर, किसानों को एक साथ जुट होकर उनको एक साथ खेती करने में मदद करती है, जिससे उनकी लागत कम आती है और वो मुनाफा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मार्केटिंग की FPO की होती है और क्योंकि FPO के मालिक किसान भी होते हैं तो सब मुनाफा कमाते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक बुंदेलखंड के बहुप्रसिद्ध FPO, ब्रह्मानंद बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसने सैकड़ों किसानों को मदद किया इस तरह की खेती की तरफ मूव करने के लिए। सो आइए जानते हैं उनके डायरेक्टर श्री प्रभुदयाल गुप्ता जी से कि कैसे उन्होंने इसको सक्षम बना पाया, और अगर आप भी उनसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करिए, या आप उनसे तुलसी या उससे जुड़ी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए चलते हैं श्री प्रभुदयाल गुप्ता जी के पास। मेरा नाम प्रभुदयाल गुप्ता, मैं ब्रह्मानंद बायो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। इसकी शुरुआत बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुई, कोरोना काल था। किसानों को जोड़ती हुई ब्रजवान सिंह राजपूत का सहारा लेते हुए इसको किसानों की जोड़ने की शुरुआत की। जब किसानों के पास हम पहुंचे तो देखा कि विगत कई वर्षों से क्षेत्र में तुलसी की खेती चल रही है। किसान को मार्केट
नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, लेकिन किसान तुलसी की खेती करना चाहता था। तो शुरुआत उनकी इच्छा के अनुसार तुलसी से कर दी गई। आज हमारे पास 500-600 किसान रजिस्टर्ड हैं। पिछले वर्ष हमने लगभग 2 या 3 टन का उत्पादन किसानों से कराया। लगभग 2.5 टन के आसपास हमारे पास माल आया और उनको हमने अच्छे रेटों में किसान को मार्केट को भेजा, मार्केट में बिकवाया। किसानों से बातचीत करने पर पता चला किसान परंपरागत खेती से बिल्कुल ऊब चुका है। उसका कारण ये है कि बाजार में जाता है, दलालों के चंगुल में फंसता है, सही रेट नहीं मिल पाते हैं, क्वालिटी सही नहीं हो पाती है। तो किसान को आगे बढ़ने के लिए औषधि खेती की ओर मैं उसे तुलसी का सबसे अच्छा स्रोत मिला, क्योंकि पहले से अन्य लोग किसान उत्पादन कर रहे थे और रेट भी उनका अच्छा था। और विशेषकर कोरोना काल में, कोरोना के रूप में तुलसी एक रामबाण हुई, रामबाण साबित हुई और इसकी डिमांड एकदम से बढ़ी। तो इसका भाव अच्छा मिला और किसानों को विशेष आमदनी मिली। किसानों की रुझानों को देखते हुए हमने एक स्टोरेज बनाया। बनाने के बाद किसानों को वहां पर बुलाया। परंपरा उनकी किसान अपना माल लेके आते थे, उसको हमने उसमें क्वालिटी मेंटेन की और क्वालिटी बनाकर आगे कंपनियों में भेजा। उनका पेमेंट देन एंड देयर जितने जल्दी हो सकता उनका पेमेंट दिलवाने की भरसक कोशिश की और हम उसमें सफल होंगे। इस वीडियो के अंत में
हम बता रहे हैं कि कैसे हमने जाना कि कैसे किसानों ने अपने तुलसी खेती की तरह शिफ्ट किया, जो परंपरागत खेती उसको त्यागा, और इससे उनके मुनाफे भी दुगने होंगे आने वाले समय। हम आने वाले समय वीडियो लेके आए हैं कैसे इन्हीं किसानों ने 6 महीने में अपनी इनकम को दोगुना किया। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे मिशन में शामिल होना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप में, उसमें ज़रूर जुड़िए और हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करिए। और हम बताने जा रहे हैं अपने स्पॉन्सर के बारे में, तो आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्सर है स्वामी जी सात्विक। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि आज के समय हम सत्तू ले रहे हैं, दलिया ले रहे हैं, मार्केट में सब एडल्ट्रेटेड है, फैक्ट्री से आ रहा है, तो उतना क्वालिटी पोषक तत्व मुक्त नहीं होता है। आज शहरों में इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो स्वामी जी सात्विक हैंडमेड मतलब हाथों से बना हुआ सत्तू, दलिया, कटिया गेहूँ जो पोषक तत्व से भरपूर है, वो सारे इंडिया में होम डिलीवर करा रहे हैं। अगर आप बुक करना चाहते हो नीचे दिए गए लिंक या नंबर पे क्लिक करें। धन्यवाद।